उसके साथ में बैठकर वहां से पेट्रोल डलवाया, फिर दूसरी साइड में आकर फिर से पेट्रोल लेकर आया। लाइट जात की ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी, यहीं से खेत में लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, बाकी मौसम अभी ठीक हो रहा है। फिलहाल टाइम हो रहा होगा 10, और उसके बाद में जो आज स्टोरी टेलिंग करेंगे, बताएंगे आपको राइड टू हिमाचल की 6 जो सीरीज है उसमें क्या घटना हुई थी हमारे साथ में। बाकी ये हमारी खेत है जी, और ये फूलों के पौधे हैं, इनमें से निकाल रहे घास, बहुत हार्ड है भाई साहब। फिलहाल के लिए दोस्तों ये काम तो अपना कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट आपका सेशन तो कंप्लीट हो गया और बाकी करेंगे शाम को, देखते हैं। ये देखिए पूरी हरियाली भाई साहब, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं हम, ज़मीन से नहीं बल्कि मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इसमें रहना है, यहीं कमाना है, यहीं खाना है जी, ठीक है। और बाकी इतना शो ऑफ तो करते नहीं हैं, जो काम है वो आप लोगों को दिखा दिया मैंने, और इसके साथ साथ में जो अपना यूट्यूब का काम भी करना है और खेती का भी। और ये देखिए पूरा आप देख रहे हैं ये क्लीन क्लीन, ये पूरा क्लीन है। एंड इसमें ये देखिए खड़ी हुई है घास, ये बड़ी बड़ी, इनको निकाल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये 2 महीने बाद ये दूसरी जगह पे लग जाएगी यहाँ से हटकर। और चलिए फिलहाल आपको मिर्च दिखाता हूँ जी, मैंने मिर्च उगाई हुई है चिल्ली। 1 मिनट रुकिए, ये है जी चारा। ये देखिए जी ये है मिर्च के पेड़, एंड इन्हें यहाँ पर लगी हुई है, ये लगी हुई इस तरफ है ये री। बाकी कुछ वहाँ पर गेंदे की खेती भी हुई है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे जी व्लॉग्स में, आप कहोगे तो एक पूरा व्लॉग बना दिया जाएगा एग्रीकल्चर के ऊपर, पसंद करोगे तो। तो चलिए जी अभी चलते हैं घर को। और लेट जी डेली के भाई कहानी, अभी जा रहे हैं फिर से मार्केट में, मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है, घर वालों ने दे दिया लिस्ट, तो चलिए चलते हैं आपको भी दिखाते हैं मोटर वीडियो कराते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योगेंद्र ठाकुर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KMT। सो चलिए जी मोटर वीडियो पे सेटअप रेडी है अपना। देखिए ये हेलमेट है, ये गमला है, ये ट्राईपोड है, और ट्राईपोड से याद आया एक ट्राईपोड और आने वाला है। चलो जी चलिए निकलते हैं, देखिए सैनिटाइजर यहाँ से देते हैं, अपना वॉलेट डेली का वही रूट है, मौसम देख रहे हो भाई साहब, एक नंबर सुहाना मौसम, ऐसा लग रहा है जैसे क्या तारे क्या तारे यार, ऐसा मौसम कहाँ रहता है। केदारनाथ, केदारनाथ की जब चढ़ाई करते हैं हम लोग, और यार केदारनाथ से याद आ गया, इस बार मेरे को करना था चारों धाम, और सिचुएशन अनकंट्रोल है, अभी कंट्रोल में आएगी तब देखेंगे, सोचेंगे उसके बारे में भी, देखते हैं नई वाली बाइक आएगी या उस पर जाएंगे या इस पर जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि उसी से मिलेगा ना हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक। ये हमारे यहाँ का नियम है जी, ऐसे ही सबको नमस्कार करके चलते हैं, क्योंकि यही अपनी संस्कृति है और यही बड़े लोगों ने सिखाया है अपने से बड़े का आदर करना, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। 10 बजने वाले, सॉरी 10 नहीं, 10 तो बज चुके हैं, 11 बजने वाले, और 11 बजे पूरा मार्केट जो है बंद हो जाएगा, तो इसलिए जी अभी 2 बजे जैसे अभी है जल्दी जल्दी फटाफट से जा रहे हैं और आते हैं लेकर वो। राधे स्वीट्स यहाँ का सबसे फेमस पॉपुलर रेस्टोरेंट, कभी आ रहे हो तो सर्च कर लेना राजेश वेट के नाम से, फारूक नगर वजीरपुर रोड पर पड़ता है, तो पहले दही वही लेकर आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। और ले जी तो निकल पड़े जी अभी यहाँ से,
और ये किधर आ रहे हैं भाई, कहाँ दिन से बॉर्डर लगता है। मैं लेफ्ट साइड में देख रहे हूँ भाई, एंड छोले और समोसे बड़ा फेमस है राधे स्वीट का, कभी आओ ट्राई करना तो यहाँ के उनका तो मालूम भी होगा। मैंने छोले के साथ ले लिया है, ज़्यादा करेंगे अच्छा है। लेते हैं और बाकी उतर गए हैं क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं आपको सीधा घर, ठीक है जी। राइट जी, पहुंच गए और ट्राई करते हैं अभी समोसे का, समोसा विद छोले के साथ में, और देखिए जरा कैसा है दिखने में ये। ये देखिए ये पनीर है, ये एंड प्याज है मिक्स, और छोले समोसे आलू। खा के इसका टेस्ट बताता हूँ, काफी टाइम बाद खा रहा हूँ मैं इसको। खट्टा मीठा तीखा कच्ची जहर भाई साहब, एक नंबर का स्वाद है। कभी आओ फरुख नगर की तरफ तो ट्राई जरूर करना राधे स्वीट्स, छोले विद समोसा, ठीक है जी, या समोसे विद छोले जो भी कुछ कह सकते हो। सो इसको मैं फिनिश करता हूँ, तब मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद में, और आपसे करेंगे कुछ बातें शेयर, जो हमारे साथ घटना हुई थी राइड टू हिमाचल सीरीज के छठे पार्ट में जब हम वापसी को आ रहे थे, तो कुछ हमने लापरवाही दिखाई थी जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ा, और हमारी गलती भी नहीं थी, खैर हम तो किसी और चीज़ पर डिपेंड थे। बट जो भी जैसा भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, शायद आप लोगों से ये गलती ना हो, ठीक है जी। तो उसको करते जी फटाफट से अभी फिनिश हम। चलिए जी, सुबह हुई, सुबह से शाम हो गई है, और फिलहाल मौसम हो गया बहुत ही सुहाना, बाहर हो रही है जी बारिश। सो कर चलिए जी, करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। सो कहानी शुरू कहाँ से होती है ये देखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली, दिस इज द लास्ट डे इन मनाली। आज हम निकल रहे हैं सीधा अपने घर को, अभी फिलहाल टाइम हो रखा 6:30। देख लिया जी, सो देखिए कहानी शुरू होती है मनाली से। मनाली से हम चले थे, और वहाँ पर जो होटल का स्टाफ है मैनेजमेंट, मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने ये काम किया होगा, कि एक्चुअली में क्या है कि हमारे रॉयल इनफील्ड है जो उसमें फ्यूल मीटर नहीं है, तो फ्यूल मीटर के न होने के कारण जो है हमें फ्यूल का पता नहीं लगा, और उन्होंने जो रिजर्व और मैन का जो स्विच होता है बाइक में वो रिजर्व में कर दिया, और हमारी बाइक की था टैंक फुल। सो हम जो है लेकर चल दिए बाइक को वहाँ से, और उसके बाद में जो हमने लास्ट स्टॉप लिया था इसमें देखिए वीडियो में। सो जी अभी फिलहाल है हम चंडीगढ़ के आसपास कहीं, और पहाड़ों से आ चुके हैं नीचे, तकरीबन 80-100 किलोमीटर हम इतने किए हैं राइड। ये हमारा लास्ट स्टॉप था, मतलब चंडीगढ़ या मोहाली से आसपास में एरिया में ही थे हम, इतने चेंज की थी बाइक, मतलब 70-80 किलोमीटर हम इतने बाइक चलाई थी, उसके बाद में मैंने ली थी, और मेरे 2 या 3 किलोमीटर चलाते ही बाइक हो गई बंद। सो मैंने देखा कि रिजो में लगी होगी यार, पर बट रिजो में पहले से थी। सो ये हमारे साथ बन गई भाई साहब सीन, बहुत तगड़े वाला सीन, वो भी दूसरे एरिया में, और जैसे तैसे करके 2-3 किलोमीटर हमने चौक में खींच दी बाइक, चली गई। बट हमने जैसे ही नेट पर डाल के देखा 2 किलोमीटर और था पेट्रोल पंप, उसके बाद में कोई भला आदमी मिल गया, एक बोतल ली, एंड बोतल में मैं गया उसके साथ में बैठ कर, वहाँ से पेट्रोल डलवाया, फिर दूसरी साइड में आ गया, फिर से पेट्रोल लेकर आया, और फिर डाला बाइक में, तब जाकर मैं पेट्रोल पंप पर पहुँचा और टैंक फुल कराया। सो गाइस आप लोगों से एक ही सलाह दूंगा, अगर मेरी वाली जो रॉयल इनफील्ड है, अगर उस मॉडल में कोई है, शायद अब तो आप फिलहाल आगे होगा फ्यूल मीटर है जो भी, बट इनमें नहीं है, तो थोड़ा चेक करके चल दिया करो। ये भी नहीं मालूम ये किसने किया है किसने नहीं, मैं स्टाफ को भी जिम्मेवारी नहीं देता हूँ, कोई बाहर का भी शायद बाहर खड़ी हुई थी बाइक, वो भी करके चला गया होगा। सो जी, सो गाइस आज के व्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, ये थी अपनी छोटी सी कहानी, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना है। वैसे यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं अपने YouTube का एनालिस्ट चेक कर पा रहा हूँ, मेरी ऑडियंस रिटेंशन है जो मेरी वीडियो देख रही है 86% ऐसी है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, और जो मेरी वीडियोज को देखती हैं, तो भाई क्या कर रहे हो यार, देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बिल्कुल फ्री है, आपका अपना चैनल है, छोटा चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे शेयर करोगे तो शायद हो सकता है फ्यूचर में बड़ा चैनल बन जाए। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, और अभी करते हैं जी एडिटिंग, एंड वही अपना शेड्यूल है 10-11 बजे सोएंगे, तो बहुत मेहनत लग रही है भाई, लव यू ऑल।